मैं सरिता शर्मा, आज मैं आपको कुशन कवर बनाना बताऊंगी। ये देखिए, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को कुशन चाहिए। जो भी हम कुशन बनाना चाहते हैं, ये देखिए, जैसे हमारे पास ये कुशन है, इसको जो है हम इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो देखेंगे। यहाँ से ये देखिए 16.5, और यहाँ से भी हमारी ये जो है 16.5 ही, ये यहाँ पर है। इससे इसके ऊपर से आधा इंच जो है एक्स्ट्रा यहाँ से छोड़ना है, और उसके बाद जो है उधर भी आधा एक्स्ट्रा छोड़ना है, आधा इंच, ये ऐसे सिलाई के लिए मार्जिन। तो हमारा 16-16 इंच का जो है ये कुशन जो है ये बनेगा। अब देखिए, उसके लिए हमने क्या करना है, 16 इंच जो है हम इसकी लंबाई, 16.5 ये जो है हम लंबाई लेंगे, और 16.5 ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे, और इस पर हम ये निशान लगा देंगे, और इसको स्क्वायर में हम काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्क्वायर में जो है मैंने काट दिया है, ये तो हमारा फ्रंट होगा, और ये वाला जो हमारा बैक होगा जिसमें हम जिप लगाएंगे। जिप में ये जो है जितना कपड़ा हमने 16.5 इंच ये लिया है दोनों साइड से, ऐसे ही हमने ये लेना है, लेकिन उसमें जो लंबाई में है वो जो है 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि हम जो है यहाँ पर जिप लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे यहाँ से बीच में इस फोल्ड कर देंगे, और इसको यहाँ से हम काट देंगे। ये देखिए, अब जो है हम जिप लगाएंगे, जैसे हमने बीच में से कटिंग की है। इसको करने के बाद आधा इंच जो है हमने 1 इंच पहले ही एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा और आधा इंच हमारा उस वाले कपड़े में चला जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जिप लगाने के लिए जो है मैंने यहाँ से पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है, और इसके लिए हमारे को सिंगल फुट चाहिए जो हम यूज करेंगे। अब हम इसको लगा देते हैं। और यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ जो है हम अपनी पिन को निकालते हुए जाएंगे, और बिल्कुल सीधी सिलाई जो है इसमें लगेगी। ये देखिए, जिप हमारी जो है ये लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस जिप को थोड़ा सा है पीछे कर देंगे ऐसे करकर, और अब हम इसको फिर से सिलेंगे। ये सिंगल हो गई है ये अब हमारी जिप, और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिप जो है हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद जो है ये हमारा बैक रहेगा, और ये हमारा फ्रंट पीस जो है अब हम इसको रखेंगे ऐसे सीधी साइड से। फ्रेंड्स, अब जो है इसके बाद जो है हमारे को ये लेस बनानी है। ये ट्रायंगल लेस है, ये मैंने इसकी वीडियो जो है मैंने डाली हुई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये देखिए, अलग अलग कलर में जो है ये मैंने ये बनाई हुई है वीडियो, वो सॉरी ये लेस बनाई है। ये देखिए, आप ऐसी लेस ऐसे तैयार कर सकते हैं इसको, और उसके बाद जो है हम ये ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, और इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हम ऐसे रखते हुए जो है अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो है हम इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको मैंने यहाँ पर रखा है, इसको ऐसे रखेंगे, और एक पैर की सिलाई करते इसके साथ में ऐसे करते हुए ऐसे, और इसको हम सिलेंगे। पिन जो है अपनी निकालते जाएंगे हम। बहुत ही सुंदर कुशन लगेगा ये। ये देखिए, अब जो है इसके बराबर ही जो है हम इसको काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। उसके बाद जो तब हम सिलेंगे दूसरे के साथ में, तो यहाँ पे से ये फिनिश हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसी में ही। ये देखिए फ्रेंड, अब जो है ये मैंने दूसरा रखा है, इसके बीच में जो है ये मैंने लगाया है। आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको ऐसे एडजस्ट कर आप इसको लगा सकते हैं, और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई जो है इसके साथ में चलती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कंप्लीट हो चुका है हमारा डिजाइन, ये ऐसे कर। अगर जैसे हम ये वाला कपड़ा लगाते हैं, जिसमें बहुत पतला कपड़ा है ये, अगर इसको लगाने में आपको कोई दिक्कत आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप जो है न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, न्यूज़पेपर लगाकर जो मैंने ये किया, ये कितना अच्छा जो है इसमें फिनिशिंग आई हुई है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अच्छा दूसरा ये मैं आपको ये और बताना भूल गई आपको, जैसे ये हमने जो साइज लिया है ये हमने बड़ा साइज लिया है, जो मैंने वीडियो डाली हुई है इस ट्राइंगल की वो मैंने इसका छोटा साइज है तो ये बड़ा साइज है। बड़ा साइज जो है मैंने देखिए, बड़ा साइज जो है मैंने यहाँ से लेकर, जैसे ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 6.5 इंच लिया हुआ है। 6.5 इंच के बाद जो है मैंने इसका हाफ कर दिया है, वो 3.25 यहाँ तक यहाँ से लिया है मैंने, 3.25 लेकर ये पूरा हमने इस पूरी एक बीच में लाइन लगाई है। उसके बाद जो है 3.75 के जो है ये हमने बॉक्स बनाकर, ऐसे बॉक्स बनाकर आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ये 3.75 के बॉक्स जो है ये हमने बनवाया है। इससे जो है हमारा जो ट्राइंगल शेप है वो थोड़ी बड़ी बनती है, और आप इससे बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर जो बनाएंगे 4 इंच का, यहाँ से ये पूरा 4 होना चाहिए स्क्वायर जो पूरा, तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जो है इसके बाद जो हमने जो जिसमें हमने जिप लगाई थी ये देखिए, अब इसको हम इसके ऊपर जो है ऐसे कर सीधे पर सीधा रखेंगे ऐसे कर और चारों तरफ से जो है हम इसकी सिलाई कर देंगे, तब हमारी सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ से जिप हम खोलेंगे और इसको हम यहाँ से पलट देंगे, ये मैं कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुशन जो है हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा आप बना सकते हैं कवर। तो ये देखिए हम ये जिप खोलेंगे और ये देखिए यहाँ से हम इसको ये ऐसे यूज कर सकते हैं। आपके पास कुशन होगा आप उसका कवर बनाइए, और ये देखिए बहुत सुंदर कवर लग रहा है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।